हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने कॉर्पोरेट लॉ या फिर मैं कहूँ कंपनी लॉ के अंदर क्या क्या पढ़ लिया वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मीनिंग देख लिया, और मीनिंग में मैंने जो डिसाइड किया था कि हम मीनिंग बहुत सारे थे, लेकिन प्रोफेसर हेने का किया था कि कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन है और विद सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल सेसेशन को विद कॉमन सील। इसके साथ साथ हमने इसके कैरेक्टर्स भी देख लिए थे, और कैरेक्टर के साथ कुछ केस लॉज भी देख लिया था जो कि सालोमन वर्सेस सालोमन था। फर्स्ट क्लास यहाँ पे था। अब उसके आगे सेकंड क्लास, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर में दो ही पॉइंट्स है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर वन, मीनिंग ऑफ आपका कंपनी एंड इट्स कैरेक्टर। दूसरा पॉइंट आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल क्या होता है? तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कॉर्पोरेट विल क्या होता है। आप समझिएगा, मैंने थोड़ा सा पहले से लिखा हुआ है, इस पे ध्यान अभी बाद में देंगे, पहले कॉर्पोरेट विल समझते हैं। सर, कॉर्पोरेट विल क्या होता है? बड़ा सिंपल है, और ये आप अपने 11th क्लास से सीखते आए हैं। मान लीजिए एक एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, और इसका एक शेयर होल्डर है, मान लेते हैं मिस्टर राम। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर मिस्टर राम इज अ ऑनर, क्योंकि ये शेयर होल्डर है, मिस्टर राम इज अ ऑनर। तो आपको क्लियरली पता चल गया कि भैया एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी और मिस्टर राम एक ऑनर है जो कि इस कंपनी के शेयर लेके बैठा है। अगर ये इस कंपनी के शेयर लेके बैठा है और ये ऑनर है, तो ऐसा सिचुएशन में आपको अच्छे से पता होगा, सालोमन वर्सेस सालोमन केस में भी बताया कि बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, कंपनी के बीच में विल का मतलब होता है पर्दा होता है कि ऑनर अलग और बिजनेस अलग। तो कॉर्पोरेट विल क्या होता है कि इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ के नजरों में, कानून के नजरों में हम स्टार्टिंग से मानते हैं कि बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होगा। तो कॉर्पोरेट विल का मतलब जस्ट इतना ही होता है कि ऑनर अलग और बिजनेस अलग। सर, इसके साथ साथ क्या क्वेश्चन आता है? मीनिंग के बाद लिफ्टिंग, लिफ्टिंग का मतलब है सर जो ये कॉर्पोरेट विल है, इस कॉर्पोरेट विल को हटा दिया जाए। यानी अगर कोई भी ऐसा काम कंपनी करती है, कंपनी ने कोई भी काम किया, कोई भी ऐसा फ्रॉड कर दिया, और उस फ्रॉड में मिस्टर राम कहता है आई एम जस्ट शेयर होल्डर, या मैं तो बस डायरेक्टर हूं इस कंपनी का, मैं अलग हूं और एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी अलग है, तो फ्रॉड तो इस कंपनी ने किया है, तो इस कंपनी ने किया है, तो आप इसको पनिशमेंट करिए। राम कहता है मुझे तो कर ही नहीं सकते। लेकिन अब जो कोर्ट है, कोर्ट क्या करेगा, इसके बैकग्राउंड को समझेगा कि भैया कंपनी ने फ्रॉड तो किया है, मानते हैं, लेकिन फ्रॉड करवाने वाले तो तुम ही इन्वॉल्व थे, यहाँ पे सारा डिसीजन तुमने ही लिया था वहां जाके। तो ऐसे सिचुएशन में जो ये कॉर्पोरेट विल है, उस विल को क्या करेंगे, हटा देंगे, और जो चार्जेस कंपनी पे लगाना था, पेनल्टी वगैरह, सारा किस पे लगा दिया जाएगा, हमारा मिस्टर राम पे। तो लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, हटा दो और मत मानो कि कंपनी अलग होता है और ऑनर अलग होता है। तो अभी हमने क्या देखा सर? अभी हमने देखा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल और कॉर्पोरेट विल। कॉर्पोरेट विल क्या होता है? कंपनी अलग, ऑनर अलग। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है कि कंपनी और ऑनर अब अलग अलग नहीं रहे, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गया, उसके ऑनर पे, डायरेक्टर पे, या जो उसके अंदर ऑथराइज पर्सन है उसके ऊपर। तो सर लिफ्टिंग ना कई बार हटा दिया जाता है। कैसे कैसे हटाया जाता है? दो रीजंस के बेसिस पे हटाए जा सकते हैं। नंबर वन, जुडिशियल इंटरप्शन। जुडिशियल इंटरप्शन का मतलब यहाँ पे कुछ आपका इंटेंशन है, आपकी इच्छा है कंपनी का फ्रॉड करने देना, यानी आप चाह रहे हो कि कंपनी जानबूझ के फ्रॉड करे, तो उसे बोलेंगे जुडिशियल इंटरप्शन। दूसरा, आप स्टेचुरी प्रोविजन, आपने कानून के कुछ पॉइंट को ही तोड़ दिया। तो दो कारण, दो ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉर्पोरेट विल क्या हो सकता है, हट सकता है। पहला क्या हो सकता है हमारा सर? जुडिशियल रीजन की वजह से। दूसरा, स्टेचुरी रीजन की वजह से। जुडिशियल रीजंस में जैसे कंपनी एक्ट एज अ एजेंट, कंपनी ने प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ ऐसा काम कर दिया
उसके और जो शेयर होल्डर था वो एजेंट बन के काम कर रहा था कि कंपनी ये काम कर रही है इस तरीके से। इन सभी के ऊपर ना केज लॉस है, तो मैं इनको अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इनको केज लॉस के साथ डिस्कस करूंगा। जैसे बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू, अपने इनकम को बढ़ा चढ़ा के देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को धोखा दिया, तो फिर उस केस में गवर्नमेंट क्या कह सकती है कि आपने इनकम टैक्स चोरी करने के लिए सिर्फ ये काम किया है, तो आपके बीच में ये कंडीशन अब नहीं रहने वाला है, ऐसा हो सकता है। अगला पॉइंट देखें हम, आपका डाइवर्सन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस को अलग करने के लिए, तो इन सभी के ना केस लॉज है, हम वो देखेंगे। हम ये वाला पढ़ लेते हैं और ये समझ लेते हैं सर। स्टेचुरी प्रोविजन मतलब, जैसे एक एक करके पॉइंट देख लेते हैं सर, एक एक करके क्या पॉइंट है, एक एक करके पॉइंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक एक करके प्रोविजन की बात करें, अंडर स्टेचुरी प्रोविजन में हम मान लेते हैं रिडक्शन ऑफ मेंबर। आपको पता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक लिमिटेड कंपनी है, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, यहां पे मिनिमम 2 मेंबर चाहिए और यहां पे मिनिमम चाहिए कितने मेंबर, 7 मेंबर, और ये एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, सॉरी लिमिटेड में 7 चाहिए, बिल्कुल ठीक। और यहां पे टोटल कितने मेंबर थे सर, 7 मेंबर थे, जिसमें से एक मेंबर का डेथ हो चुका है, सपोज करो एक मेंबर है ही नहीं, तो इस कंपनी में बचे कितने मेंबर, 6 मेंबर। और जो डेथ हुआ है उसके शेयर को भी किसी मेंबर को ट्रांसफर नहीं किया गया है, और हुआ यूं ये कंपनी 6 महीने तक ऐसा ही काम करती रही, मतलब 6 मंथ हो गए और कंपनी किसी एक मेंबर को लेके नहीं आती। इन बिटवीन कंपनी ने एक ले लिया लोन, और लोन लेने के बाद कंपनी कर गई डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद फिर इसके जो बाकी के 6 शेयर होल्डर थे, बाकी के जो 6 शेयर होल्डर थे, उन शेयर होल्डर को कोर्ट में जज ने बुलाया, बोला कि भाई तुमने लोन डिफॉल्ट कर दिया, लोन का पेमेंट करो। इन 6 के 6 शेयर होल्डर ने बोला सर लोन हमने नहीं लिया था, लोन तो कंपनी ने लिया था, तो कंपनी डिफॉल्ट हुई है तो कंपनी पेमेंट करेगा, हम थोड़ी लाइबल है, हम तो लिमिटेड लाइबिलिटी वाले, हमारे पास तो 10 का शेयर है तो 10 के हिसाब से लाइबिलिटी होगा। कोर्ट ने बोला कि भैया आपका एक मेंबर जा चुका था, आपका देखा जाए तो कंपनी के पास सिर्फ 6 मेंबर थे और 6 महीने से ज्यादा हो चुका है इस काम को हुए हुए, तो उस एग्जिस्टेंस में तो कंपनी कभी था ही नहीं, कंपनी कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं कर रहा था आप लोगों का, तो जो लोन लिया गया तो अब हटा दीजिए कंपनी को, लोन आपने लिया और आपको पेमेंट करना होगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिडक्शन इन मेंबर, मेंबर अगर कम हो जाए, जैसे 2 से कम हो जाए, 7 से कम हो जाए, ये। इसके बाद है होल्डिंग इन सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी होता क्या है उसको समझ लेते हैं, एक एक करके पॉइंट समझते जाएंगे, इसके तो केस लॉज में अलग से कराऊंगा, ठीक है ना। तो होल्डिंग और सब्सिडरी क्या होता है, मान लेते हैं एक कंपनी है, अभी लेटेस्ट में मान लो एक वी वोडाफोन और आइडिया, मान लेते हैं कि वी कंपनी वोडाफोन और एक आइडिया कंपनी, आइडिया कंपनी, एक आइडिया कंपनी है एक वोडाफोन है, ठीक है ना, ये 2 कंपनी है और दोनों लिमिटेड कंपनी है भाई, दोनों लिमिटेड कंपनी। वोडाफोन ने क्या करा, इस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अगर 51%, अगर वोडाफोन ने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए 51%, तो ये कंपनी मानी जाएगी होल्डिंग कंपनी और ये कंपनी मानी जाएगी सब्सिडरी कंपनी। तो सबसे पहले होल्डिंग और सब्सिडरी का मतलब समझिए, कोई भी कंपनी, एनी कंपनी, किसी दूसरी कंपनी का 51% यानी 50% से ज्यादा का शेयर खरीद ले उस कंपनी का, एक्वायर कर ले, जैसे एमलगमेशन में होता है उसके कंपनी के शेयर्स को ले ले, तो क्या माना जाएगा सर, जिस कंपनी ने लिया है उस कंपनी को क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी, यानी वोडाफोन हमारा कौन सा है, होल्डिंग कंपनी है, और सर आइडिया कौन सा कंपनी है बताओ, सब्सिडरी कंपनी है। एक तो ये रीजन है, दूसरा रीजन हो सकता है कि मान लिया जाए वोडाफोन ने, वी ने आइडिया के जितने भी डायरेक्टर हैं, आइडिया के जितने भी डायरेक्टर हैं उन सभी का अपॉइंटमेंट किया है, उन सभी डायरेक्टर को इसने अपॉइंट किया हुआ है, यानी सीधा इसके ऊपर कंट्रोल आ गया इसका वी का, तो ये होल्डिंग मानी जाएगी, ये सब्सिडरी मानी जाएगी। तो सर जैसे ही होल्डिंग कंपनी मैं बोलूं, अगर कोई भी किसी कंपनी का 51% हिस्सा खरीद लेता है, तो ये भले ही आइडिया कंपनी, लेकिन इसका मालिक कौन माना जाएगा, वोडाफोन माना जाएगा, इसका मालिक कौन माना जाएगा, वोडाफोन। ऐसे में अगर देखा जाए तो वोडाफोन एक अलग कंपनी है और आइडिया एक अलग कंपनी है, तो बोला गया कि भाई जब कभी भी ऐसा होल्डिंग और सब्सिडरी का केस होगा
तो इन दोनों को कंबाइंड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, जिसे बोला जाता है कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट। तो कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट बनाया जाएगा, जो कि होल्डिंग और सब्सिडरी एक चैप्टर हुआ करता था, अब नहीं है। तो कॉन्सोलिडेट बैलेंस शीट बनाया जाएगा जब कभी भी वोडाफोन और आइडिया आपस में जाएंगे। अगर कोई भी एक्ट वोडाफोन करता है ऑन द बिहाफ ऑफ आइडिया, तो ऐसा नहीं बोल सकता कि आइडिया ने किया है, तो वोडाफोन के डायरेक्टर वगैरह इसमें फंस जाएंगे सारे के सारे। तो यानी जो कंपनी का सेपरेट है ना, कि कंपनी अलग और ऑनर अलग, तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। तो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, इसके थ्योरी मैं अपलोड कर दूंगा, जस्ट आपको रीड करना होगा, ठीक है। फ्रंटलाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस में फ्रंटलाइन कॉन्ट्रैक्ट, इसको समझिए, इसका मीनिंग क्या है। एक एक करके मैंने लिख लिया, मैं समझाता जाऊंगा। मान लीजिए एक बनाया हमने पी क्यू आर लिमिटेड, एक बनाया हमने पी क्यू आर लिमिटेड, ठीक है सर, कंपनी बना लिया। और एक बनाया मैंने ए बी सी लिमिटेड, ये मेरा मेन कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी को हमने क्या करा, बहुत सारा परचेज किया, उधार ले लिया। किससे ले लिया सर? क्रेडिटर से, ठीक है। मान लेते हैं 100 करोड़ का सामान खरीद लिया, और अल्टीमेटली इस कंपनी ने इस कंपनी को सामान बेच दिया, सोल्ड कर दिया इसको, 100 करोड़ रुपए का सामान, और ये दोनों एक ही कंपनी है। हुआ यूं कि इस कंपनी ने, पी क्यू आर लिमिटेड ने, कुछ दिनों बाद डिफॉल्ट यानी वाइंडिंग अप, यानी डिफॉल्ट से बोला हम तो लिक्विडेट हो रहे हैं। पूछा, भाई पी क्यू आर तुम क्यों लिक्विडेट हो रहे हो? बोला, हमारे सारे के सारे पैसे बैड डेट्स हो गए हैं। और अल्टीमेटली देखा जाए तो इस कंपनी के कुछ एक शेयर इसके पास भी था, और इसने इसको शेयर फ्री में दिया था इंटेंशनली। क्रेडिटर ने बोला, मेरे पैसे दिलवाइए साहब। क्रेडिटर कहता है, मेरे पैसे 100 करोड़। तो पी क्यू आर लिमिटेड कहता है कि सर हम पैसे कहाँ देंगे, हमारी कंपनी जो बनी थी वो इंसॉल्वेंट हो गई, इंसॉल्वेंट तो पैसे ले ही नहीं सकते। तो कोर्ट ने क्या देखा, ये फ्रॉड, ये जो बिजनेस बनाया गया था ना, सिर्फ इंटेंशन ये था कि लोगों से उधार लो और कंपनी को बंद करो और पैसे अपने जेब में अंदर करो। पाया गया कि भैया ये भी कंपनी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो बोला गया, भैया इस कंपनी को नहीं पकड़ेंगे, जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी प्रमोटर हैं, सभी इस 100 करोड़ को देने के लिए लाइबल है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है इस कंपनी को बनाने का मकसद ही है कि कंपनी को बनाओ, उधार पैसे लो और बोलो कंपनी डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि कोर्ट कंपनी को क्या फांसी दे सकती है? नहीं दे सकती। तो जितने भी इसके डायरेक्टर हैं वो सभी के सभी इसके लिए पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। यहाँ पे सेफ्टी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट था फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, हमने एक फ्रॉडलेंट तरीके से एक बिजनेस को बनाया ताकि हम पैसे को ले सके। फेल टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, अगला केस है हमारा फेल टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, और आपको पता होना चाहिए कि 90% हमारे शेयर्स बिकने चाहिए। अगर 90% हमारे शेयर्स नहीं बिके तो कंपनी को एप्लीकेशन रिटर्न करना पड़ेगा एज पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो लॉ है। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए और 1 लाख शेयर्स में से सिर्फ और सिर्फ 70,000 शेयर बिके हैं, और कंपनी के पास 70,010 रुपए के हिसाब से फुल्ली पेड अप के हिसाब से 7 लाख रुपए आ चुका है। अब कंपनी को ऐसे कंडीशन में बोला जाता है कि भाई इनके 30 दिनों में पैसे वापस करिए, क्योंकि आपकी कंपनी के शेयर जो इशू किए हैं बिकॉज ऑफ 70% बिक पाया है, तो आपकी कंपनी के शेयर इशू फेल हो गए हैं। आपकी कंपनी का इशू ऑफ शेयर्स वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, पूरी तरीके से फेल हो गया, क्योंकि आपने कंपनी का जो 90% वाला क्राइटेरिया है फुलफिल ही नहीं किया। अब ऐसे सिचुएशन में जिस जिस से पैसे आप लेके बैठो वापस करो, पर पैसे को वापस करने का टाइम दिया जाता है इसके अंदर 30 दिन, पहले 45 दिन था, अब 30 दिन कर दिया गया। 30 डेज में उनके पैसे वापस करिए, है ना, शेयर एप्लीकेशन में तो देखा ही है। कंपनी नाउ फेल हो गई, कंपनी फेल हो गई इसके पैसे को वापस करने में 30 दिनों के अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में बोला जाएगा, भाई कंपनी जो इसके फेल हुए हैं, तो इसके कंपनी के अंदर जो भी डायरेक्टर है, प्रमोटर है, अब कंपनी ने वापस नहीं किया, तो कंपनी और डायरेक्टर प्रमोटर अलग अलग नहीं है भाई, डायरेक्टर प्रमोटर, अब तुम इसके पैसे वापस करो 31वें दिन में, और साथ के साथ 15% ब्याज के साथ। सेबी के केस में 15 दिन है,
और वैसे 30 दिन है कंपनी लॉ के केस में, ठीक है ना। तो आपको अब इसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, किसको करने पड़ेंगे, कंपनी को नहीं वापस करने, करने पड़ेंगे उसके डायरेक्टर के और डायरेक्टर को और उसके प्रमोटर को 15% इंटरेस्ट के साथ, विद इंटरेस्ट 15% इंटरेस्ट। तो ये कुछ बातें जो मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको थ्योरी में लिखा हुआ मिलेगा जो मैं डालू, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या देखा, मिनिमम मेंबर रिडक्शन हो जाए, मेंबर मतलब 7 से कम हो जाए, 2 से कम हो जाए। फिर क्या देखा, होल्डिंग सब्सिडरी एक ही बैलेंस शीट बनानी होगी। फ्रॉडलेंट कंडक्ट बिजनेस, आपने बिजनेस ही बनाया था कि आप पैसे खा जाओ, इसलिए। फेल रिटर्न एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के पैसे रिटर्न करने में आप फेल हो गए, इसलिए हुआ ऐसा, ठीक है। अगला पॉइंट है मिस अप्रोप्रिएशन इन प्रोस्पेक्टस, मिस अप्रोप्रिएशन इन प्रोस्पेक्टस। ये चैप्टर सारे ना एक एक चैप्टर है, ये हम आगे पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस भी, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जैसे कि मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है और इसने डिसाइड किया कि हम ना इशू करेंगे शेयर, हम इशू करेंगे क्या शेयर, तो शेयर इशू करेंगे तो कैसे इशू किया जाए, लोगों को बताया भी तो जाए। बहुत सारे मान लो पब्लिक है, बहुत सारे पब्लिक है, तो इसके शेयर पब्लिक तभी खरीदेगी ना जब इसको जानकारी हो, बहुत सारे पब्लिक है। तो इस कंपनी ने क्या करा, एक बनाया एडवर्टीजमेंट, एक एडवर्टीजमेंट बनाया, एक तरीके से एक पर्चा टाइप का बना लिया, और जो पर्चा बनाया इसने क्या करा, इस पर्चे को सीधा सीधा इन सभी के पास दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये जो पर्चा बनाया है ना, इसके अंदर कंपनी का नाम, कंपनी का डिटेल, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का लॉस, कंपनी का डायरेक्टर, सारी बातें इस पर्चे में लिखी हुई है, कंपनी कितने शेयर इशू करेगी कितने नहीं। और ये सभी शेयर होल्डर ने इस पर्चे को देख के ही इस शेयर्स को खरीदा, और ये जो पर्चा है दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जो कि हम अपनी इंफॉर्मेशन सामने वाले को जिस पेपर में बता रहे हैं, अगर कंपनी बता रही है तो कंपनी का प्रोस्पेक्टस है। आप जैसे डीयू में एडमिशन लिया तो आपका भी प्रोस्पेक्टस आया था, जिसके अंदर डीयू ने सारी जानकारी दी थी कि सेमेस्टर वन में क्या सब्जेक्ट होगा, टू में क्या होगा, कितनी फीस होगी नहीं होगी, तो दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। अगर इस प्रोस्पेक्टस को ये सभी ध्यान से पढ़ेंगे एकदम, अब जब इन्होंने ध्यान से पढ़ा तो उसके हिसाब से सूझबूझ के साथ इन्होंने क्या करा, इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और इस प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि कंपनी जो है हमेशा ही हमेशा काम जो करेगी वो क्या करने वाली है, वो एजुकेशन फील्ड में काम करेगी। प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखा था कि कंपनी कभी भी किसी और फील्ड में नहीं जाने वाली, हमेशा एजुकेशन फील्ड में जाएगी। और भाई कंपनी ने आगे चल के क्या करा, एजुकेशन फील्ड का तो काम नहीं कर रही, इसने मान लेते हैं वाइन बेचना चालू कर दिया, दारू बेचने चालू कर दिए। भाई इन्वेस्टर ने सोचा था यार ये तो गलत हो गया हमारे साथ, हमने तो सोचा था कि भैया पढ़ाई लिखाई में आगे आगे ग्रोथ होने वाला है, इसमें करेंगे, ये तो दारू बेचने लग गया, हमारे शेयर्स तो मर जाएंगे। ऐसे ऐसे सिचुएशन में लॉ ने बोला कि भैया आपने प्रोस्पेक्टस के अंदर गलत जानकारी दी, आपको करना था एजुकेशन का बिजनेस, आप दारू बेचने लग गए हो, ये तो गलत इन्फॉर्मेशन, अगर पहले लिखा होता कि आप दारू बेच रहे हो तो हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते आपकी कंपनी के अंदर। तो फिर कोर्ट ने बोला कि भाई हुआ ऐसा कि इसने प्रोस्पेक्टस में एक गलत इन्फॉर्मेशन दिया है जिसकी वजह से इसके पैसे फंस गए। तो अब कंपनी इसके पैसे रिटर्न करने के लिए लाइबल नहीं है, इस कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के ऑथराइज पर्सन, ये सभी पर्सन मिलकर इनके पैसे वापस करवाओ। फ्रॉड जो किया है वो कंपनी ने नहीं किया, कंपनी के डायरेक्टर और इन्होंने किया है, जानबूझ के किया गया है इस तरीके से। तो इसका था हमारा मिसएप्लीकेशन, मतलब सही जानकारी ना देना इन प्रोस्पेक्टस, तब भी हमारे कंपनी के बीच का कॉर्पोरेट वेल क्या होगा, मिट जाएगा। अगला पॉइंट क्या, चलिए सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। प्री का मतलब पहले, इनकॉर्पोरेशन का मतलब बनना और कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो। पता है किसी कंपनी को, अगर आप किसी कंपनी को अगर मैं बोलूं एक्स वाई जेड, अगर इसके आगे आप लिमिटेड वर्ड लगाना चाहते हो ना, तो पहले आपको कुछ परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के पास कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। अगर आपने गवर्नमेंट को सारे डॉक्यूमेंट उनके अकॉर्डिंग फुलफिल कर दिया, तब तो आप लिमिटेड वर्ड लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। यानी सर इसको लिमिटेड लगाने से पहले कुछ काम करना पड़ेगा। जी हाँ,
आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी एमओए या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी एओए आपको बनाना पड़ेगा कागज। यानी कंपनी बनाने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपको नाम चुनना है, कंपनी का जगह चुनना है, कंपनी का बिजनेस चुनना है, कंपनी की और भी सारी चीजें चुनना है। उन सभी चीजों को चुन के आप क्या करोगे सर, उन सभी चीजों को चुन के आप गवर्नमेंट को जमा करोगे। मतलब ये सारी चीजों को बनाने में एक हमें प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगी, चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे अगर मैं उस रूम का हमारी कंपनी बन जाएगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा तो काम ही नहीं करेगा। तो उस केस में हमें पहले उनको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा कि हमारी कंपनी बनने के बाद आपको दे दिया जाएगा, बनते ही दे दिया जाएगा। यानी हमने इनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक तरीके से हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि कंपनी जैसे ही बनेगी हम आपको पेमेंट दे देंगे, अभी हम एडवांस में कुछ पैसे दे रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला ठीक है भैया, बात मान गए। तो जब गवर्नमेंट को हमने जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए उसके लिए हमने पेमेंट भी कर दिया, गवर्नमेंट से भी पेमेंट किया ना, गवर्नमेंट एग्री हो जाती है चलो तुमने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करे तो तुम अब अपने नाम के आगे क्या लगा लो सर, अपने नाम के आगे लिमिटेड लगा लो, अब ये बन गया एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी बनने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी थी, दैट इज कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट था। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट अब बाद में कंपनी को इस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर कंपनी को लगता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए किया गया था तो कंपनी अडॉप्ट कर लेगी, नॉर्मल बिजनेस चलेगा। लेकिन अगर कंपनी ने डिनाई कर दिया ना भाई ना ये मेरे लिए नहीं किया गया था, मान लेते थे कि इसने एक लैंड भी खरीदा था, एक बिल्डिंग भी खरीदा था कि हम कंपनी का ऑफिस खोलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। और प्रॉपर्टी डीलर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि कंपनी बनते ही हमारे पैसे कंपनी के खाते में और हम आपको दे देंगे। कंपनी को बाद में रिलायंस हुआ कि ये तो अपने घर रहने के लिए बनाया है, तो कंपनी ने मना कर दिया, नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच का नहीं है, हमारी फेवर में नहीं है, तो हम मना कर देंगे। ऐसे सिचुएशन में जो इसका प्रमोटर होगा वही लाइबल होगा, इसके बीच का लिफ्टिंग हो जाएगा कॉर्पोरेट विल। तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट अगर कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है तो कोई बात नहीं, अगर कंपनी ने डिनाई कर दिया तो लिफ्टिंग हो जाएगा हमारा कौन सा कॉर्पोरेट विल। अल्ट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस एक्ट क्या होता है कि आपने कुछ ऐसा काम करा जो बियॉन्ड ऑफ द कैपेसिटी ऑफ कंपनी। मान लो एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, इस कंपनी ने अपने एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि ये कभी भी लोन नहीं लेगी जिंदगी में काम करने के लिए, कभी लोन लेगी ही नहीं। और कंपनी के डायरेक्टर सभी को इस बात का पता था, लेकिन इन्होंने क्या करा, बैंक से जाके लोन ले, बैंक से लोन लिया, बैंक वालों ने लोन दे दिया इनको इजीली। बैंक वालों ने ध्यान नहीं दिया कि एओ में ये बात लिखी थी, बैंकर ने लोन दे दिया। लोन देने के बाद बैंकर गए कंपनी के पास एक्स वाई जेड लिमिटेड के पास कि कंपनी आपको मैंने 100 करोड़ रुपए का लोन दे रखा था, वापस करिए। कंपनी ने मना कर दिया, बोला भैया हम तो लोन ले ही नहीं सकते, यानी जो आपने हमें लोन दिया है हमारे और आपके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो तो वॉइड एविन इश्यू है, यानी वो तो शुरू से ही गलत था, क्योंकि हमारा लॉ एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो बोला ही नहीं था कि लोन लेके काम करेंगे, तो हमारा हो ही नहीं। और डायरेक्टर और प्रमोटर से पूछा गया तो उसने बोला सर ये कंपनी ने लोन लिया है तो कंपनी का परमिशन नहीं था, तो बैंक वालों ने इनको लोन दिया तो बैंक की गलती है, बैंक के पैसे डूब गए। कोर्ट ने, जज ने बोला भाई साहब यहाँ पे साफ साफ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी दिख रहा है, तो अब कंपनी को गोली मारो, कंपनी को हटाओ यहाँ से, अब आप पर्सनली लाइबल है, वो आपको देना पड़ेगा, जो लिफ्टिंग है कॉर्पोरेट विल का हो जाएगा। तो कुछ हमारे स्टैचुटरी प्रोविजन थे जिसकी वजह से हमारा कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया जा सकता है। तो ये पॉइंट हमने पहले क्या लिखा सर, कॉर्पोरेट विल क्या होता है, कंपनी अलग और ऑनर अलग, मीनिंग देख लिया। लिफ्टिंग 2 वजह से हो सकता है, एक तो हो सकता है जुडिशियल आपका इंटरप्शन की वजह से, एक हो सकता है स्टेचुरी प्रोविजन की वजह से। स्टेचुरी प्रोविजन जो है वो सारा हमने समझ लिया एक एक करके, और ये आपका आएगा क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो आपको ये पूरे लिखने हैं डेफिनेशन, आप 2 पार्ट में बांट के लिखेंगे, और इसके अंदर के जो कंटेंट मैंने समझा है वो थियोरिटिकल नोट मिल जाएगी आपको, और उसको भी लिखना होगा सेम। इसके अब मैं केस लॉज डिस्कस करने लगूंगा कि इसको किस बिहाफ पे किया गया, कब किया गया, नहीं किया गया, तो इनके अब केस लॉज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।
तो एक बार फटाफट से आप इनको नोट कर लीजिए।